नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि सर्वे करने के लिए जो सर्वेयर आ रहे हैं वो पैसा मांग कर रहे हैं कागजात जमा करने पर, और पैसा नहीं देते हैं तो कागजात जमा नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास सर्वेयर आते हैं या आपके गाँव में शिविर लगाकर कागजात जमा किया जाता है जमीन का, और ऐसी परिस्थिति में सर्वेयर या फिर उनके साथ जो भी कर्मचारी हैं, कोई भी अगर आपसे रुपये वसूली करता है किसी भी तरह से, तो आप ना दें, ऐसे उलझन में ना पड़े, ठीक है, क्योंकि सर्वे कराया जा रहा है या बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि आप किसी पदाधिकारी को रुपये पैसे दें काम करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए सर्वेयर ऐसा करता है, ठीक है, कि आपसे कागजात जमा करने के लिए जो है आपसे रुपये मांग करता है, और आप जब नहीं दे पाते हैं तो आपका कागजात जमा नहीं लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है उनकी शिकायत कर सकते हैं, और यह एक आवेदन के माध्यम से एक आवेदन आप लिखेंगे, ठीक है, और यह आवेदन जो है उनकी शिकायत के लिए होगा, मतलब कि कागजात जमा करने के लिए पैसा लिया जा रहा है हम लोगों से, तो इस तरह का आपको विषय में दर्शाना पड़ेगा, और जो है इसकी तीन कॉपी यानी तीन प्रतिलिपि बनाना पड़ेगा, एक प्रतिलिपि अंचलाधिकारी के नाम से, और दूसरा जो है आपको DCLR मतलब भूमि सुधार उपसमाहर्ता के नाम से, तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM साहब जिला अधिकारी के नाम से। तो ये तीन प्रतिलिपि बनाकर आप वहां दे सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं, और जो भी इस तरह के कार्य करते हैं चाहे कोई अमीन हो या फिर मान लीजिए कोई पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।